सीन की आपकी जो कस्टमाइजेशन है, मैंने कहीं नहीं देखी वैसी कस्टमाइजेशन। स्टाइलिश लग रहा है, एकदम अमेजिंग सा है। मेट माय एक्सपेक्टेशन, बट यू हैव एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन। गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल कास्ट टैलेंट। होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ। आज आप लोग फिर से देखने वाले हैं कास्ट टैलेंट की एक और नई वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मारुति की ब्रिजा। और सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। ये है इस गाड़ी का LXI वेरिएंट। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि जो भी इस गाड़ी को परचेज करता है सबसे पहले उनकी वो रिक्वायरमेंट के लिए मैं थोड़ा बहुत और गाइड आपको करना। अंदर हम लोगों ने थोड़े बहुत एक्सटीरियर में एसेसरीज इंस्टॉल किया है, प्लस इसके गाड़ी के इंटीरियर को दिया है कुछ डिफरेंट लुक। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो कंपनी से इंटीरियर आता है वो आता है कम्प्लीटली ब्लैक कलर का। और ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों ने इस कार के अंदर इंस्टॉल की है कि वो है बहुत ज़रूरी अगर आप किसी भी गाड़ी का बेस वेरिएंट परचेज कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप चलते हैं उस चीज़ की तरफ कि आखिर वो चीज़ मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ, सबसे पहले इसके इंटीरियर्स की तरफ। तो गाइज इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपको सबसे पहले इसकी रियर सीट एंड रियर बैक की तरफ। अब आप पूछेंगे कि ऐसा आज हम लोगों ने इसके अंदर क्या खास किया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बेस वेरिएंट के अंदर आपको इस तरीके का सेंटर में कोई आर्मरेस नहीं मिलता है, साथ ही में आपको ना ही कोई हेडरेस्ट भी मिलते हैं। तो सबसे पहले बताऊँगी कि इसके अंदर हम लोगों ने आर्मरेस अपना इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं उसकी फिनिशिंग कितनी अप टू द मार्क है, आप कम्प्लीटली चेकआउट कर सकते हो, फुल ऑन बेज रहने वाला है। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर का आपको कुछ इस तरीके से कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, सो आप उसकी फिनिशिंग वर्क भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको आर्मरेस्ट यूज़ नहीं करना है तो आप इजीली उसको पीछे कुछ इस तरीके से कर दे सकते हो। आप मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी ड्राइविंग का मज़ा लेने वाले हो। अगर आप पीछे बैठे हुए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, साथ ही में अब आपकी ड्राइव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि अपने बेसिक वेरिएंट में नहीं आते हैं, तो इसको जब चाहे आप इजीली यूज़ कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसा कि आपको हायर वेरिएंट में मिलता है तो वैसा लुक आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके इंटीरियर लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस कार के अंदर हम लोगों ने फ्रंट एंड रियर डिफ्यूजर्स अपने इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसके अंदर आपको ब्लैक प्लस सिल्वर लुक देखने को मिलने वाली है। ब्लैक इसके अंदर मैट फिनिश के अंदर है, और जो सिल्वर फिनिश है ये आपको ग्लॉस फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाली है। साथ ही में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिलती है। आपके साथ साथ ये आपकी गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर को भी प्रोटेक्ट करता है। फ्रंट लुक के साथ साथ एक बार रियर का कि रियर से इसका लुक कैसा है। तो गाइस रियर से भी आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलने वाला है ब्लैक प्लस सिल्वर कलर के अंदर, तो आप वो फिनिशिंग देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के कुछ डिज़ाइनर एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं, तो उसका लुक भी आप कम्प्लीटली देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ इस कार के अंदर आपके रूफ रिल्स इस वेरिएंट में नहीं आते हैं, तो हम लोगों ने इस कार के अंदर अपना रूफ रिल्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि आपको कम्प्लीटली ब्लैक फिनिश या ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। डोर वाइजर्स हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं ब्लैक प्लस क्रोम लाइनिंग के साथ, तो वो आप देखिए। लोअर विंडो गार्निश भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी हम लोगों ने इस कार के अंदर अपना इंस्टॉल की हुई है। साथ ही में साइड से लुक को और इन्हांस करने के लिए यहाँ पे आपको साइड बीडिंग भी देखने को मिलने वाली है जो कि हम लोगों ने क्रोम के अंदर एड ऑन की हुई है। इंटीरियर्स की तरफ कि आखिर हम लोगों ने इंटीरियर्स में क्या किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस कार के अंदर हम लोगों ने पॉकेट फ्रेंडली इंटीरियर किया है। इंटीरियर्स के अंदर इंटीरियर कम्प्लीटली ब्लैक आता है, जिससे कि बहुत डार्क थीम, बहुत डार्क फील होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत कुछ स्पेशियस हो सके इसके लिए हम लोगों ने लाइट कलर एड ऑन किया हुआ है। तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले इसका डोर, बहुत ज़्यादा नहीं बट जितने भी हम लोगों ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है या कस्टमाइजेशन की है वो आपको पसंद आने वाली है। डोर्स पे आप देखिए जहाँ पे आपको फैब्रिक मिलता है यहाँ पे हम लोगों ने अपना लेदर इंस्टॉल कर दिया है विद डायमंड कट के साथ, विद आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली एक्स्ट्रा कुशनिंग भी, तो वो आप चेकआउट करिए। पावर विंडोज़ वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने अपना वुड फिनिश। स्टेयरिंग की बात करना चाहूँगी गाइस, स्टेयरिंग आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि जब भी हमारे आउटलेट पे कोई कस्टमर आते हैं तो उनकी फर्स्ट चॉइस होती है कि अगर वो कोई स्टेयरिंग चूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो डिज़ाइनर लुक ही लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके अंदर आप इस ब्लैक और बेज कलर के लुक को देख सकते हैं। कम्प्लीटली हैंड स्टिच आपको देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पर हम लोगों ने वुड फिनिश भी अपना। इस बार हम लोगों ने कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए यहाँ पर अपना 3D मैट डाला हुआ है एज़ पर कस्टमर चॉइस, तो उसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं।
मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे भी आपको वुड फिनिश देखने को मिलने वाली है। जो उसका स्टीरियो वाला सेक्शन था, यहाँ पे भी हम लोगों ने अपना वुड फिनिश इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर कोई टच स्क्रीन नहीं आती है, बहुत ही बेसिक सा सिस्टम आता है, जिसको हम लोगों ने अपग्रेड करके अपना विविड ऑडियो का 9 inches का स्टीरियो इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। शेयर करती हूँ कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मिले हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ होम स्क्रीन गाइस कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलने वाली है। ये सारी ऐप्स इसके अंदर, प्ले स्टोर है, नेटफ्लिक्स है, ये सब आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ये कम्प्लीटली आपका एंड्रॉयड जिसके अंदर ये सारी ऐप्स आपको मिलती हैं। अगर मैं इसके टच की बात करूँ, टच काफ़ी स्मूथ है, होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हम लोगों ने अपना रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है अनप्लग का, तो एक बार उसका व्यू भी देख लेते हैं, उसके प्लेसमेंट भी चेक करेंगे। इस तरीके से आप इसका देख सकते हो, जो हम लोगों ने अनप्लग का अपना डिग्गी पे या बूट पे जो हम लोगों ने कैमरा इंस्टॉल किया है, कुछ इस तरीके की क्लैरिटी इसके रहने वाली है। तो एक बार चलते हैं उसके बारे में कि कहाँ पे हम लोगों ने उसकी प्लेसमेंट की है। गाइस अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने इसका ओई टाइप का प्लेसमेंट अपना एड ऑन की हुई है। प्लेसमेंट इसकी यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इसके सीट्स की तरफ। गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले बात करते हैं इसके लेदर के बारे में। इस गाड़ी में इस बार हम लोगों ने अपना यूज़ किया स्टैलियन लेदर, जिसको हम लोगों ने डुअल कॉम्बिनेशन के अंदर अपना रेडी किया है, बेज प्लस ब्लैक कलर का। बेज से क्या है, लाइट कलर से गाड़ी थोड़ी स्पेशियस लगती है, तो इस टाइप का हम लोगों ने थीम इस कार के अंदर लिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर आपको सेंटर में हैवी कुशनिंग देखने को मिलेगी एंड रूलिंग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अपर एंड लोअर की तरफ यहाँ पे हम लोगों ने डायमंड डिज़ाइन दिया हुआ है, तो उसका आप फिनिशिंग वर्क देख सकते हो। साथ ही में बैक साइड जितनी भी है इसकी, इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली ब्लैक लिया है विद बेज कलर के थ्रेडवर्क के साथ, मतलब डुअल टोन में हम लोगों ने सीट्स को रेडी किया है। जैसा कि मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी स्पेशलाइजेशन कस्टमाइज सीट्स लेदर अपहोल्स्ट्री में, हमारे पास लूज कवर्स एंड बकेट कवर्स नहीं होते हैं, उसी की फिनिशिंग कस्टमाइज की ऐसी अप टू द मार्क आती है, जिसमें हम लोग आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिनल कारपेट ही अपना इंस्टॉल किया है, जिसके थ्रू जो उसकी फिटिंग आई है, जो उसकी फिनिशिंग आई है, वो बिल्कुल अप टू द मार्क आई है। साथ ही में जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि ये इस गाड़ी का LXI वेरिएंट है, इसके अंदर कोई आर्मरेस्ट नहीं आता है, तो गाइस इसके अंदर हम लोगों ने मारुति का जेन्युइन आर्मरेस्ट फ्रंट वाला इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आप देखिए। साथ ही में उसको भी हम लोगों ने लेदर रैप कर दिया है विद डिज़ाइनिंग के साथ। अपर वाला पार्ट डायमंड कट, साइड्स पे ब्लैक कलर का, अंदर से कुछ इस तरीके की स्टोरेज आपको दी जाती है, काफ़ी ह्यूज स्टोरेज है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। कम्प्लीटली जेन्युइन हम लोगों ने ये लगाया है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट सीट की, बैक साइड की, दुवाइज ये कम्प्लीटली ब्लैक रहने वाली है। नीचे की तरफ यहाँ आपको ओरिजिनल कारपेट मिलने वाला है, जो अक्सर कि मैंने आपको फ्रंट सीट्स की फ्रंट साइड भी दिखाया था। कुछ हाइलाइटेड के लिए यहाँ पे आप देखिए, हम लोगों ने बेज कलर का अपर वाला सेक्शन इस तरीके से दिया है, ताकि जो पीछे की बैक है वो कम्प्लीटली ब्लैक नज़र ना आए, कुछ हाइलाइटेड भी हो जाए तो वो आप देखिए। रियर सीट एंड रियर बैक मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो इसका लुक भी आप कम्प्लीटली देख सकते हो। सो गाइस जितना भी वर्क मैंने इस कार के अंदर किया है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लोगों को वर्क पसंद आया होगा तो गाइस अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमारा वर्क पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे आउटलेट पे विजिट करने के लिए, चाहे दिल्ली हो, नोएडा है, गुड़गांव हो, पटना हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी लोकेशन का एड्रेस विद गूगल लोकेशन। हमें कॉल करने के लिए नंबर रहने वाला है 7271939393। आप प्लीज़ 10 to 7 हमें कॉल कीजिए, मंडे हमारा ऑफ रहता है। अगर बात करें इस कार को इतना ब्यूटीफुल बनाने में क्या एक्सपेंस आया गाइस, तो वो आया है अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से लेके 60,000 के बीच में। उसमें बहुत सारी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेदर क्वालिटी मिल जाएंगी, जैसा आपका बजट है या जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी कार को रेडी करके देंगे। सो गाइस फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। जी है इस कार के ऑनर मिस्टर सरबजीत जी, और ये इस कार सर की रहने वाली है। गाइस सबसे पहले सर से पूछते हैं कि सर आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहा, क्योंकि पहले डार्क कलर की कार थी और आप थोड़े से वो थे कि गाड़ी बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी, बिल्कुल लाइट नहीं लग रही थी, अब स्पेशियस क्या आपको लग रही है? हाँ बिल्कुल स्पेशियस लग रही है, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत 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 अच्छा है। आई वुड से कि कलर कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ी सी अंदर लाइटनिंग आ गई, नहीं तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल डार्क सा एकदम डल है, बट अब बहुत ही ऐसा लगता है कि रोशनी टाइप सा लगता है, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी मुझे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मिला। एंड सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे थे मुझे कि आपके फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि तो भाई करोल बाग से या किसी और जगह से, आप ये जेल रोड से कहीं से भी XYZ वहाँ से आप बकेट कवर्स या लूज कवर्स लगवाओ, बट स्टिल आप यहाँ पे आए हो और आपने कस्टमाइज सीट कवर्स लगवाए, तो इसकी फिटिंग में और वैसी फिटिंग में आपको क्या फ़र्क लगा और क्या फील आ रही, कम्फर्टेबल है सीट्स आपके लिए, कैसा लग रहा आपको? फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी,
करोलबा की भी देखी और आपकी भी देखी थी, बट आई हैव सीन कि आपकी जो कस्टमाइजेशन है मैंने कहीं नहीं देखी वैसी कस्टमाइजेशन। बाकी फिनिशिंग दूसरे वहाँ पे भी होती है बट वो नॉर्मल सी, मतलब कोई डिज़ाइनिंग नहीं, बट आपके यहाँ डिज़ाइनिंग देखी मैंने और कहीं और नहीं देखी। एंड आई थिंक आई एम सिटिंग राइट नाउ एंड आई कैन सी कि द सीट्स आर कंफर्टेबल। एंड सर मेन क्वेश्चन कि जैसे बकेट कवर्स आप ही के सीट के ऊपर सीट कवर लगा कर देते हैं, मतलब आपको इसमें लग रहा है कि हम लोगों ने इस कार के अंदर सीट कवर्स का या कस्टमाइज सीट का कुछ काम भी किया है? नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल, ऐसा लग रहा है कि मतलब कंपनी से ही आई है और बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड व्हाट अबाउट द स्टीयरिंग, आपको स्टीयरिंग कैसा लगा? ये वुड फिनिश जो हम लोगों ने थीम दिया वो कैसे लगी आपको? स्टीयरिंग एकदम स्टाइलिश लग रहा है, एकदम अमेजिंग सा है और आई वुड से कि आपका काम ही बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन भी कहीं नहीं देखा, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, ऐसा डिज़ाइन स्पोर्टी डिज़ाइन कहीं नहीं देखा। थैंक यू सो मच सर। तो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कास्ट टैलेंट के साथ कैसा रहा? So you know, you guys not only met my expectation, but you have exceeded my expectation. Thank you so much, sir. So I'll give 10 on 10 to you. Thank you, thank you, thank you so much, sir. Thank you. तू यहाँ से आ जा, अब तू वहाँ से आ। अरे बस काम है, तू न्यूट्रल कर। क्या हो रहा नीचे? अरे रुक जाओ यार। बस ठीक है।